सो हेलो गाइस, डीसी जेएसएम टूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूएमटी और यूएमटी प्रो में आपको वर्जन 4.3 देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का टूल है 4.3 जो आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या खास अपडेट है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपके पास यूएमटी है तो भी, यूएमटी नहीं है तो भी, अगर कोई टूल डोंगल बॉक्स परचेज करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिवेशन चाहिए किसी टूल का, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ईजिली वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाले समय में जो वीडियोस आएंगी, अपडेट्स आएंगी, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एफआरपी का, लॉक्स का, पैटर्न का, फॉर्मेट एफएस, ये जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एडिट जो सीपीयू है, एमटी 6750, 6755, ये जो सीपीयू पहले से ही इसमें एडिट हो चुके थे। यहाँ पे X20 हेलियो भी जो है यहाँ एडिट है, और यहाँ पे नया क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपकी आपको दिखाता हूँ। तो एमटी के वन क्लिक है या नो नीड सिलेक्टेड एनी मॉडल्स। अब यहाँ पे हमें डा प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले बहुत एरर आता था, बहुत प्रॉब्लम आती थी कि डा फाइल सही ना होने की वजह से जो हमारा फ़ोन फ्लैश नहीं हो पाता था, और आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक या FRP नहीं हो पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट SLA DA बाईपास कर दिए गए हैं, एमटी 6753 और यानी कि MT 6753, MT 6795, MT 6797। अब यहाँ पे जो मोर ऑप्शन जोड़े गए हैं, ये फॉर्मेट FS, इरेज FS, सेव फॉर्मेट, रीसेट लॉक, रीसेट लॉक्स और फॉर्मेट कैचे। कैचे का क्या है वो सारी चीज़ें देखिए, आप देखते जाइए। तो यहाँ पे एडिट पैच मॉडेम कर दिया गया है NV फॉर्मेट Redmi 6 से, यानी कि आप Redmi 6 और 6A दोनों का IMEI रिपेयर कर सकते हैं। उसमें अगर आपकी सिम वर्क नहीं कर रही, दोनों IMEI आप रिपेयर कर सकते हैं, NV डाटा का बैकअप ले सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इसको सिंपल मेटा मोड में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं है, आप मेटा मोड में जो है इसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट वन क्लिक, FRP रीसेट सपोर्ट, सैमसंग डिवाइस के कुछ मॉडल दिए गए हैं, वो अभी आपको पता लगेगा। और यहाँ पे कैच फंक्शन जो जोड़ा गया है, कैचे फंक्शन जो है दोस्तों बहुत वर्किंग है, और बहुत ये ठीक भी है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या है इसमें कि ये जो है, जो ओप्पो के फ़ोन स्टक हो जाते हैं रिकवरी में आफ्टर सेव फॉर्मेट के बाद, तो आप इजीली ये इस ऑप्शन को क्लिक करके उससे जो है फ़ोन को बाहर निकाल सकते हैं, आपका फ़ोन कम्प्लीटली जो है ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। MI अकाउंट पैच कर दिया गया है, तो ये जो MI अकाउंट वाला ऑप्शन है, ये टेस्टिंग में हो सकता है वर्क करे, हो सकता है नहीं भी करे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये लिख दिया, बेटा टेस्टिंग में ये चल रहा है, ठीक है। और ये ओप्पो वाला ऑप्शन है, फर्स्ट अनलॉक इन ब्रोम एंड देन रिपीट इन मेटा, तो ये भी जो है बेटा टेस्टिंग में ये जो है चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से जो है डिवाइसेस टेस्टेड हो चुके हैं। हुआवे का Y3, Y5 हाइब्रिड, ये हमारे इंडिया में नहीं होता है मेरे हिसाब से, अगर होता हो तो मैं बता दूं आपको, i7 है, इन्फिनिक्स है, हॉट 10, आपको हॉट 9 देखने को मिलेगा, स्मार्ट HD, आईटेल का S21 है, LG का फ़ोन इसमें जोड़े गए हैं, लेनोवो के जोड़े गए हैं A5, मेजू का है, और माइक्रोमैक्स का N1B, ये जो है माइक्रोमैक्स का इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि शायद माइक्रोमैक्स का भी लेटेस्ट फ़ोन है। मेट्रोला इसमें जो है जोड़ दिया गया है, नोकिया के मॉडल हैं इसमें, वन प्लस है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है। ओप्पो के तो ये आपको पता ही है कि सारे जो है मीडियाटेक वाले फ़ोन इसमें जो है कर दिए गए हैं। सैमसंग का A10s, M01s भी जो है इसमें एडिट है, स्पाइस है, टेक्नो की आपको स्पार 6 ग्रो और स्पार्क गो 2020 और i3 प्रो, ये सेट भी जो है इसमें जोड़ दिए गए हैं। वीवो के आपको यहाँ पे तमाम मॉडल्स आपको देखने में मिलेंगे, शाओमी के 6, 6A 9 और रेडमी नोट 8 प्रो भी जो है यहाँ पे एडिट है, और 6, 6A और रेडमी 9 और 8 प्रो का आप IMEI वगैरह भी रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों IMEI आपके वर्किंग होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपडेट, और ये UMT की तरफ से खास अपडेट था, और ये दोस्तों जो अपडेट है 6 से जो मॉडल्स जोड़े गए हैं, बहुत ज़बरदस्त अपडेट मीडियाटेक का आया है, और इन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट अपना प्रीलोडर में जो उनका इम्प्रूवमेंट चाहिए था, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो इन्होंने जो है सॉल्व करने की उसे लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, और ये वार्निंग जो नीचे दी गई है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास UMT या UMT प्रो है तो डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास डोंगल बॉक्स नहीं है वो ये यूज़ नहीं कर सकते, उनको डोंगल या बॉक्स परचेज करना होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक जा सकते हो।